हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोबोट स्टडी में। तो आज हम आपको बताएंगे फिजिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। तो पिछले वीडियो में भी मैंने 15 क्वेश्चन बताया था और इस वीडियो में भी मैं 15 क्वेश्चन बताऊंगा और ये सारे 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो समांतर आवेश प्लेट के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा छोटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बी है छोटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सी है छोटी सिग्मा बाय 1 एप्सिलॉन नॉट और डी है हमारा नन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों छोटी सिग्मा बाय 1 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी सही है छोटी सिग्मा बाय 1 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों इक्वल है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो की ओर। कूलम्ब बल का मान सबसे कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए धातु, ऑप्शन नंबर बी निर्वात, ऑप्शन नंबर सी पानी, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए धातु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर दोस्तों। तीन है हमारा, ईआर का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर बी कूलम्ब मीटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि इसका मात्रक ही नहीं होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है दोस्तों, ना कि एप्सिलॉन आर का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार है हमारा, वोल्ट मीटर इनवर्स किसका मात्रक होता है। वोल्ट मीटर इनवर्स दोस्तों आप लोगों को पता है किसका मात्रक होता है, ई सदिश का मात्रक होता है दोस्तों। तो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर पाँच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए (mL³t^-4)(a^-2), ऑप्शन नंबर बी (mL³t^-2)(a^-2), ऑप्शन नंबर सी (mLt^-2), ऑप्शन नंबर डी नन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर (mL³t^-4)(a^-2)। अब अगला क्वेश्चन है आपका छः नंबर, आवेश मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोस्ट्रेपी, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी ओडोटेपी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्ट्रेपी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा सात नंबर, विद्युत क्षेत्र रेखा की कुल संख्या पर कौन निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विद्युत फ्लक्स, या ऑप्शन नंबर बी विद्युत तीव्रता, या ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विद्युत फ्लक्स। अब क्वेश्चन है आठ नंबर हमारा, इलेक्ट्रॉन पर ESU में आवेश का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए -4.8×10^18, ऑप्शन नंबर बी -4.8×10^-10, ऑप्शन नंबर सी 1.6×10^-19, ऑप्शन नंबर डी नन। इसका सही आंसर ये होगा -4.8×10^-10, और ये जो है दोस्तों इसका आवेश होता है ई कूलम में होता है दोस्तों, 1.6×10^-19, और यहाँ पूछ रहा है ESU में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा, दो आवेशों के बीच की दूरी आधा करने पर विद्युत बल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 4×, ऑप्शन नंबर बी 1/4×, ऑप्शन नंबर सी 1/2×, ऑप्शन नंबर डी 2×। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/4×। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आवेश होता है ऑप्शन नंबर ए संरक्षी, ऑप्शन नंबर बी असंरक्षी, ऑप्शन नंबर सी दोनों और डी है हमारा नन। तो इसका सही आंसर है संरक्षी, आवेश संरक्षी होता है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किसी धातु के प्लेट के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए छोटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी छोटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर सी छोटी सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर डी नन। इसका सही आंसर होगा छोटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 है हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स किसका मात्रक है। तो ये आप लोगों को पता होगा किसका मात्रक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी विद्युत फ्लक्स, ऑप्शन नंबर सी विद्युत विभव। तो ये है दोस्तों विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 है हमारा, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलते हैं,
एक कूलम किसी वस्तु से बाहर निकाला जाता है तो प्रोटॉन की संख्या में कितनी कमी होती है? ऑप्शन नंबर ए 6.25 गुना 10 के पावर 18, ऑप्शन नंबर बी 6.25 गुना 10 के पावर 19 और ऑप्शन नंबर सी 1.6 गुना 10 के पावर -19, ऑप्शन नंबर डी नन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए इस न्यूमेरिकल का तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि इसका सब्सक्राइब चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का ओर। बल आघूर्ण किसके बराबर है? बल आघूर्ण ऑप्शन नंबर पी सदिश ई सदिश, ऑप्शन नंबर बी पी सदिश क्रॉस ई सदिश, ऑप्शन नंबर सी पी ई, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों खो नंबर पी सदिश या पी सदिश क्रॉस ई सदिश। इसको ऐसे भी बोलते हैं दोस्तों पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। 15 नंबर है हमारा, यदि ई अक्षीय बराबर 6 न्यूटन कूलम इनवर्स तो ई निरक्षीय बराबर क्या होगा? तो इसमें ई निरक्षीय बराबर होता है दोस्तों 2 इंटू ई अक्षीय। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।